हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर इन्फो। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम इंडियन नेवी की जो भी रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर इनरोलमेंट नंबर एज सेलर फॉर आर्टिफिशर अप्रेंटिस ए एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स SSR बैच 22। ठीक है, तो इंडियन नेवी फ्रेंड्स एप्लीकेशन जो है ये लग रहे हैं जो अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए एज अ सेलर फॉर आर्टिफिशर अप्रेंटिस एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स SSR। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपका बैच जो है फरवरी 22 से आपका बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम देखते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। फ्रेंड्स, इसमें जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अनमेरिड मेल्स के लिए लग रहे हैं। ठीक है, और इसमें इनिशियली जो है आपकी जो है पोस्ट है इनरोलमेंट एज अ सेलर फॉर ए एंड SSR फॉर। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जो है टोटल आपकी 500 पोस्ट हैं ए के लिए आर्टिफिशियर अप्रेंटिस के लिए, और 2000 वैकेंसीज हैं आपकी SSR के लिए। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए। ठीक है, वैकेंसीज विल अनमार्क्ड इन अ स्टेट वाइज मैनर। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसीज फ्रेंड्स आपकी डिवाइड की गई हैं। ठीक है, और फॉर टोटल वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, इन 10,000 वैकेंसीज के लिए अराउंड फ्रेंड्स जो है 10,000 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा सिर्फ। ठीक है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा कि सिर्फ आपकी जो है वो 12th क्लास की परसेंटेज के हिसाब से ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो जो टॉप 10,000 में आएंगे तो उनका जो है वो रिटर्न लिया जाएगा उसके लिए। उसके बाद फ्रेंड्स है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी, आपकी 10+2 होनी चाहिए, 60% आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए। मैथ एंड फिजिक्स जो है ये आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट वन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th में, केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो सेम फ्रेंड SSR के लिए भी यही सेम एलिजिबिलिटी है, मैथ फिजिक्स आपका होना चाहिए, और उसके बाद जो है कंप्यूटर बायो और केमिस्ट्री में से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है एज है इसकी आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 1 फरवरी 2002 से लेके 31 जैन 2005 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इससे अगर पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ है या 2005 के बाद के, तो आप इन उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स है इसमें पे एंड अलाउंस। ठीक है, पे एंड अलाउंस जो है आपको ट्रेनिंग के पीरियड में जो है आपकी वो स्टेफन आपको दिया जाएगा 14,600 का पर मंथ। ठीक है, उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपको लेवल 3 में जो है वो लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी 21,700 to 69,100 तक आपकी जो है वो पे स्केल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये आपके अलाउंस है 5,236, ये जो है आपके DA वगैरह और दूसरे अलाउंस मिला के फिर आपको उस हिसाब से जो है वो सैलरी दी जाएगी। तो प्रमोशन फ्रेंड्स इसमें जो है आपकी अप टू मास्टर चीफ PT ऑफिसर जो जिसका लेवल 8 है अब उस लेवल तक जो है आपकी इसमें प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है आपका जो है इंश्योरेंस कवर जो इसमें रहता है वो अराउंड 50 लाख रहता है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फ्रेंड्स जो COVID-19 की वजह से इन्होंने ये किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, किसके लिए? रिटन एग्जामिनेशन के लिए और फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हैं उनको 12th की बेसिस पर, ठीक है, 12th की जो परसेंटेज होगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका 10+2 का, उसकी परसेंटेज पर ही आपका जो है कट होगा। तो डिफरेंट स्टेट का ये अलग अलग से कट जा सकता है, अगर कोई J&K स्टेट से भर रहा है तो यहाँ का अगर कम लोगों ने फॉर्म भरा है तो यहाँ का कट ऑफ जो है वो कम भी जा सकता है, किसी दूसरी स्टेट का ज़्यादा जा सकता है। तो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट का जो है अपना अपना कट ऑफ जो इसका निकलेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो रिटन टेस्ट होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको पेपर आएगा, बाइलिंगुअल होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन, इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड GK, 4 सेक्शन होंगे आपकी एज यूजुअल जैसे बाकी एग्ज़ाम्स में होता है आपका। ठीक है, और उसमें जो है 10+2 लेवल का जो है वो आपका स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का और क्वेश्चन पेपर का वो 10+2 लेवल का आपका होगा। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ 1 आवर है, 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो रिटर्न में अपेयर होंगे उनको उसके बाद क्या होगा सब्जेक्टेड टू PFT, वो PFT के लिए वो जो है एलिजिबल
हो जाएंगे, ठीक है। फिटनेस टेस्ट, फिजिकल क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। PFT विल कंसिस्ट 1.6 किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट्स। 20 स्क्वाट्स, उठक बैठक एंड 10 पुशअप्स कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू एट देयर ओन रिस्क, ठीक है। फ्रेंड्स, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, इसमें आपने 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग करनी है, कितने अराउंड आपने 7 मिनट में करनी है, ठीक है। उसके बाद 20 स्क्वाट्स जो हैं उठक बैठक ही आपकी, और 10 जो हैं आपने पुशअप निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है इसमें जो है ए जो है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए अराउंड 6 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अराउंड 600 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो है उनको मेडिकल के लिए कॉल लेटर वगैरह भी जो दिया जाएगा, और SSR के लिए जो है अप्रॉक्सीमेटली 2500 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट, जो आपका स्टेट वाइज मेरिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है इम्पॉर्टेंट आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो बाकी एग्ज़ाम्स में रहता है आपका, इसमें आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सपेंड करके जो है वो चेस्ट वगैरह भी आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके, बाकी इसमें जो है आपका आई साइट वगैरह है, आपके आई साइट जो है वो बेटर आई 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, और वॉर साइज जो है वो 6x9 होनी चाहिए विद ग्लासेस जो है वो बेटर 6x6, और अवर्स भी जो है वो भी 6x6 होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर एयर क्लीन टू वैक्स टाटा रिमूव फ्रॉम द टीथ पीरियड टू द एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपने अगर कानों में वैक्स वगैरह करवा के जाना है, अगर दांतों में आपने कोई वो कुछ डाला है तार वार जैसे वो डालते हैं, तो वो भी आपने रिमूव करके जानी है, स्केलिंग वगैरह जो करवाते हैं टीथ में वो भी अपने रिमूव करके जानी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है टैटूज वगैरह आपको जो है बॉडी टैटूज आर ऑनली परमिटेड इन इनर फेस ऑफ फोर आर्म इनसाइड एल्बो टू द रिस्ट, कुछ पार्ट पे आपको जो है ये जो है परमिसिबल नहीं इसमें। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है आपकी ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट, ठीक है, इनिशियल एंगेजमेंट ट्रेनिंग आपकी जो है वो फेब 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, और 9 वीक की ट्रेनिंग होगी आपकी जो ए कैटेगरी के लिए भर रहे हैं ए पोस्ट के लिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए, और 22 वीक्स की होगी जो SSR बेसिक ट्रेनिंग एट INS चलिका फॉलोड बाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द अलॉटेड ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है इनिशियल एंगेजमेंट होगी आपकी जो है वो इनिशियल एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। द इनिशियल एंगेजमेंट इज फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर फॉर ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड 15 ईयर फॉर SSR। SSR के लिए 15 साल की जो है इनिशियल एंगेजमेंट होगी आपकी, और जो है उसके लिए आपकी ए के लिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 20 ईयर की, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हम देखते हैं इसमें क्या है, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो आपने www.joinindiannavy.gov.in पर जाके आपने ऑफिशियली वहाँ पे अपनी आईडी अपने आपको पहले अपने रजिस्टर करना है, उसके बाद वहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई जो है वहाँ से फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट इसमें जो है इसकी लास्ट डेट अभी 16 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट डेट जो है इसकी 25th अक्टूबर तक है, तो अभी से ही अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो अभी से ही आप फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, और लास्ट में जो है नेवी का सर्वर जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो आप इसका फॉर्म भर दें। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10+2 शीट रेडी फॉर रेफरेंस, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट और 10+2 की मार्कशीट जो है वो रेडी रखनी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपने रजिस्टर करना है joinindiannavy.gov.in पे, ठीक है, अपनी ईमेल के साथ, इफ़ नॉट रजिस्टर ऑलरेडी, अगर किसी ने ऑलरेडी नेवी की साइट पर रजिस्टर किया है तो उसको दोबारा से जरूर करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर किसी ने फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है तो अपनी ईमेल से जाके वो अपनी इस साइट पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपने फोटोग्राफ अपलोड करना है वो गुड क्वालिटी फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड टू बी अपलोडेड, ठीक है, जो फोटो होना आप अपलोड करोगे फॉर्म में उसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लू बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसमें और कोई पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट डेट हमने डिस्कस कर दी इसकी 25 अक्टूबर जो है वो इसकी
लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है इम्पोर्टेंट अपडेट, और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो या कोई क्यूरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जो है इसका डाउट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको कोई भी कैरियर रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन हो आपको इस चैनल से मिलती रहे। थैंक यू।